हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द P4 पबजी चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नए नए अपडेट में क्या क्या है। जैसे नए अपडेट में एयर ड्रॉप में लाइट लगा दी है, जैसे क्रिसमस आ रहा है तो इसलिए लाइट लगा दी है। आप जैसे देख सकते मेरे चारों बंदे, तीनों बंदे मर चुके हैं और मैं अकेला बचा हूँ। 11 बंदों को मैं मार चुका हूँ और मैं इसे लूटने जा रहा हूँ ड्रॉप को। ये यूरोपियन सर्वर पर खेला तो थोड़ा ईजी होता है, एक्सपेक्टेड टू एशिया सर्वर। मेरे पे फायरिंग हो रही है अभी, आज जैसे आप देख सकते हैं ये डॉच करने की टेक्निक है। अगर आप ऐसा करोगे तो स्नाइपर आपको देर में हिट कर पाएगा। ड्रॉप के अंदर कुछ खास नहीं मिला, मैंने दो बंदों को देखा है यहाँ पे। ये एक गिली सूट वाला भग के आ रहा है और ये मैं M416 यूज़ कर रहा हूँ बस्ट मोड में। ये बहुत बढ़िया गन है, जैसे देख सकते हैं मेरे को ऊपर से बहुत बंदे गोलियाँ मार रहे हैं। मैंने एक बंदे को देख लिया है, कहाँ पे मार रहे हो। ये पूरी वीडियो देखना, इसका अंत बड़ा बुरा हुआ है मेरे साथ। कोई भी पबजी प्लेयर नहीं चाहेगा उसके साथ ऐसा हो। वीडियो देखिए, और ये मेरी पहली वीडियो है तो भाई जिसको गेम प्ले पसंद है वो सब्सक्राइब कर देना। आगे इंटरनल ऑडियो भी मिल जाएगी। अभी मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो अभी फिनिक्स ओएस में ही खेला जा रहा है। मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे किल मिल गया तो मुझे वो ग्ली सूट वाला बंदा मर गया, पर एक एक उसका साथी बचा हुआ जिसे जिसके लिए वो जो बंदा ब्रिज से ड्रॉप हुआ था। मेरे पे यहाँ पे चारों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं जैसे देखा जाए। मैंने सोचा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखेगा बंदा कोई। बहुत ही कम हेल्थ बची है, एक बंदा जैसे आप देख सकते हो अभी भाग कर आएगा। मैं एक स्कोप चेंज कर रहा है अपना देखने के लिए। एक बंदा मेरे साइड रश कर रहा है, ये देखिए ब्लैक पॉइंट से दिख सकता है आपको। ये बहुत लकी था मेरे लिए, बच गया मैं इस वाले, इसमें नहीं तो ये मार सकता था। ये देखो बंदा रश करके आ गया है, ये भी डॉच करेगा। डॉच करा, डॉच करा, डॉच करा, बस। M416 का बर्स्ट मोड में इसे चलाना बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत अंडररेटेड गन है। कुछ बहुत से पबजी प्लेयर्स को पसंद नहीं आती पर ये बढ़िया गन है अगर चलाने सीख लो आप अच्छे से। ये मैं SKS से ये स्नाइप कर रहा हूँ। ये दो स्नाइपर थे जो मुझे मार रहे थे। एक को नॉकआउट कर दिया। ये पेड की वजह से देख नहीं पा रहे मेरे को कुछ भी, अंदाजे से गोलियां चला रहा हूँ। एक इसका दूसरा प्ले भी भाग के आया। SKS साइलेंसर है मेरे पास सप्रेसर के साथ, तो इसकी आवाज़ मुझे पता नहीं चल रही पर जैसे कि वो देख सकते हैं मुझे। मैं थोड़ा हाइट पे जा रहा हूँ जिससे कि पता कर सकूँ कहाँ पर है वो अच्छे से। हील करते रहना चाहिए जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो अपने आप को। मेरा भाई वॉर डैडी नाम है और 52 लेवल है। बेसिकली एमुलेटर पे खेलता हूँ मैं, मोबाइल में चलता ही नहीं। एवरी नहीं जाए, लेट्स सी कहाँ पर हैं अभी। मेरे को जैसे दिख नहीं रहा कोई, स्कोप करके देखता हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ उन्हें ऐसा ढूंढ रहा हूँ जैसे गाड़ी के पीछे छुपे हों। जैसे आप देख सकते दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक यहाँ पे जीप है और एक कार। ये एक बंदा मुझे दिख गया, सही पड़ी है इसको, अच्छे से पड़ रही है। देखो टायर के नीचे सबसे गोली लग रही है। ये वाली वीडियो थोड़ी सन्नाटा वाली है भाई, कोशिश करेंगे अगले में साउंड इफेक्ट डालेंगे क्योंकि इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती। 7 नोगट है फिनिक्स का जो, तो गूगल ने मना कर रखा उसमें नो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड। जैसे मेरे को पड़ी अभी
वो उसका साथी ऊपर आ गया है पहाड़ी के। दिख गया मुझे बंदा, ये भी बड़ा अच्छा किल होगा, बहुत ही बढ़िया इसके चलती है टैप प्ले में। पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, पर ये मारा जाएगा, वो डैडी से कोई नहीं हो सकता। किल मिल गया मेरे को, से मार दिया। अब जैसे जोन में से अलग आ गया है तो देखते हैं अब आगे जोन में जाऊंगा। वो वाला बंदा दिखा ही नहीं जो यहाँ पे मिला था, वो जोन में चला गया शायद। जब भी भाई अगर ऐसे बचे, जैसे 14 प्लेयर बचे हो, 9 प्लेयर बचे हैं, 14 मैंने मार दिए, हमेशा लूटते रहना चाहिए, जैसे आपका सरप्राइज खत्म हो जाती है। जैसे देख सकते हैं आप, फायर हुई है मेरे पास सामने से, ये भी यहाँ पे बंदा सो रहा है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये पेड़ों ने ये मार दिया, ये ड्रिंक लेंगे थोड़ी सी, यहाँ से लूट ले कुछ। लेट्स गो, जोन में चलते हैं। भाई जो भाई देख रहा हो सब्सक्राइब कर देना। ये मैं स्कोप चेंज कर रहा हूँ, जो क्योंकि अब सर्कल छोटा हो गया तो स्कोप छोटे चाहिए, 2x बहुत होता है, बढ़िया स्कोप है शॉर्ट रेंज के लिए। ये ब्रिज पर कोई नहीं है, वो बंदा मिला नहीं मुझे, खोया कहाँ से। 7 बंदे अलाइव हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके सारे आप अकेले बचे और पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी है, तो उसमें आपको शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि तो क्या पता किसी दो दो हर स्क्वाड के दो दो बंदे बचे हों तो वो आपस में लड़े लड़े और लास्ट में आपको 1v1 का मौका मिले, एक ही बचाओ तो उसमें आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सांप बना हुआ हूँ, इधर से फायर हो रही है जैसे आप देख सकते हैं। ये लेवल 3 बैग का एक नुकसान भी है, ये ग्रास में दिख जाता है दूसरे बंदे को, ऊपर से ही देख सकता है कोई भी आपको, बट इसमें स्टोरेज ज़्यादा है इसलिए ले रखा है। अभी मुझे यहाँ पे कोई प्लेयर दिख नहीं रहा है, सबसे पहले जैसे आप देखते हैं रेड रेड आ रहा है, जूम करके देख सकते हैं गोलियाँ चल गई हैं, तो जो स्क्वाड बचे हुए हैं वापस में लड़ रहे हैं। तो मेरा बस ये पॉइंट टारगेट है कि आप जो एक बंदा दिखा मुझे वहाँ पे पार, उसके ऊपर टावर के ऊपर है ये सामने, अभी जूम करके इसे मारूंगा मैं। पीछे वाला बंदा सब कैसे चला है तो वो मिला नहीं, ये इसे जूम करेंगे और इसका कुर्ता बनाते हैं।
ये घास में कुछ दिख नहीं रहा है, पर अंदाजे से गोलियां चला दी मैंने। अब इसमें क्या होगा, अगर इसके बंदे अच्छे होंगे, इसे बचाने वाले होंगे तो यहाँ पर आएंगे और मरेंगे, पर इस गेम में ऐसा नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं। हम वेट करता रहा करता रहा करता रहा। ये वो बंदा भी मर गया, 15 किल हो गए, वो भी शायद मेरा आखिरी बचा होता है स्क्वाड में। एक बंदा वो भागते हुए जा रहा है, पर मैं फायर नहीं करूंगा। चलो जोन में चलते हैं। सबसे सेफ जगह होती है जोन के साइड में वॉल की, किसी जगह जिसे आप सब देख सकते हो। सेफेस्ट सांप बनने के लिए सबसे बढ़िया जगह भाई है। यहाँ लेट जाओ, बंदे आएंगे घूमेंगे सामने आएंगे सीधे हिट करना। इस वीडियो का भाई अंत बड़ा बुरा हुआ इस गेम प्ले का मेरे साथ, आप देखना। भगवान कभी किसी के साथ ना करे पबजी प्लेयर वाले। ये लास्ट सर्कल में भाई जितनी पेप्सी पेन किलर हो सब पी लो, क्या पता बाद में जिंदा रहे या टाइम ना मिले। जैसे मुझे दिख रहा है दो बंदे उस घर के अंदर है, मुझे लगा वो बाहर आएंगे मैं मार दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक बंदा, एक जिसकी गन दिख रही है यहाँ से, और एक बंदा ये रहा। मैं ज़्यादा इसे नॉक कर सकता था, पर मेरी प्लानिंग थोड़ी अलग थी। बॉस में लगाया, मैं जैसे जोन से बाहर हूँ तो मैं जोन में जाऊंगा। और भाई यहाँ पे मेरे को लगा कि मैं उनपे ग्रेनेड फेंक देता हूँ, वो बाहर आएंगे मैं मारूंगा, तो मैंने यहाँ वेट करा ग्रेनेड के फटने का। तो एक और एक ग्रेनेड फेंक दिया जैसे, पर ये गिरा ही नहीं और मर गया। इससे बुरा लैग कभी किसी ने देखा भाई? आना सब्सक्राइब करें। थैंक यू P4 PUBG.